हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे हों। और सुबह के हुए हैं 7:30। मैं नहा धो ली हूँ, कान्हा जी को नहला दिया है, पूजा मैंने कर ली है और कान्हा जी को नाश्ता भी दे दिया है। टॉफी नहीं। और प्रियांशु आज स्कूल जा रहा है, वंश स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि वंश का कल पेपर था, अब उसकी 4-5 दिन की छुट्टी है। तो जी चलते हैं, करते हैं अपने काम की शुरुआत। सुबह से ही कुछ काम तो निपट चुके हैं, कुछ काम अभी रह रहे हैं हमारे। सबसे पहले मैं रखूंगी हारे में दूध। और आज देखो टफी खुल गया है, यहाँ से टफी को खोल दिया है और रास है नीचे। और टफी ना ये सोच रहा है कि मैं पन्नी में कुछ ले रही हूँ खाने की चीज़ें। नहीं भाई, कुछ नहीं है, रैक्स फिलहाल नीचे है, टफी ऊपर है। तो ये चलते हैं सबसे पहले रखते हैं अपने हारे में दूध, फिर जो मैंने रही लगाई थी उसका निकाल लेंगे मक्खन, मतलब जो दही बिलोई थी उसका निकाल लेंगे मक्खन। तो चलते जी अपने काम पे स्टार्ट होते हैं। तो जी पहले मैंने हरे में से निकाल दी थी आज राख, क्योंकि हरे में राख हो रही थी काफ़ी सारी, पहले राख निकाल दी थी। अब मैं तो 3 कोसे लेके आई थी, तो 3 कोसे फोड़ फोड़ के इसमें डाल दूंगी। 3 कोसे में काफ़ी होता है, जो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं तो, और जो छोटे होते हैं तो 4 कोसे लगाने पड़ते हैं। तो ये है, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े गोसे हैं, गोसे भी बोलते हैं इनको, उपले बोलते हैं देसी भाषा में, इनको गोसे ही बोलते हैं गाँव में। तो जी वो हमने इसमें डाल दिए हैं। आग जलाने के लिए हम करेंगे पन्नी का इस्तेमाल, क्योंकि अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, पहले मिलता था, अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। तो पन्नी का इस्तेमाल भी हो जाता है, यूज भी हो जाता है। जो पन्नी बच्चे कुछ सामान बाहर से लाते हैं, कुछ खाने की चीज़ होती है, वो पन्नी मम्मी इकट्ठा करते रहते हैं, उसे चूल्हे में और हारे में आग जलाने का काम आते हैं। तो जी पतीले में कर लेंगे दूध, और एक जग में बाल्टी धोने के लिए, और एक बाल्टी पानी में एक जग डाल लूँगी मैं पानी, और इसे पानी डाल के बाल्टी को साफ करके इसे दूध को हारे में रख देंगे। प्लेट में एकदम से नहीं ढकूंगी, क्योंकि एकदम से उबल के आता है तो फिर निकलने का डर रहता है। जब उसमें उबाल आ जाएगा थोड़ी देर बाद आके मैं फिर इसमें प्लेट ढक दूंगी। क्या है तो फिर, क्या है ये तो फिर, ये क्या है? ओले ओले ओले, मुझे भगाते रहते हो, मुझे भगा रहे हो। चलो कुछ नहीं है, मुझे पहले देते हैं मम्मी को दवाई। सुबह की एक चाय मम्मी की होगी है नाश्ता, जो दूसरी चाय है दवाई के साथ। लो चौबीस घंटे की था पहुँच गए, ना। तो जी चलिए अब अपनी रही पूछते हैं, मक्खन हमारा आ गया था, अब इसे निकाल लेंगे एक कुकर में, और मैं एक गिलास में पानी लाई थी, उसे रही को अच्छे से तरह से धो के तब निकाल लेंगे, क्योंकि धूप फैलने से पहले मैं ये सारा काम ऊपर का ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप होती है इधर बहुत ज़्यादा, बरामदे पे धूप में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। छाँव का काम तो है, छाँव में तो फिर भी करते रहते हैं लेट तक भी। तो ये चीज अब मैं अभी निकाल लूँगी ये मक्खन, और फिर ज़्यादा गर्मी में ये भी रहता है कि ये जो मक्खन आया हुआ है ये ज़्यादा गर्मी से पिघलने लगता है, फिर ढंग से निकलता भी नहीं है, तो वो तह जाता है मट्ठे में ही। तो इसलिए थोड़ा जल्दी करके ही मैं इसे बिलोती हूँ, और जल्दी साथ के साथ इसे मक्खन को निकाल दूंगी। धूप से पहले पहले सारा काम निपटाना होता है। चाय पानी हमारा नाश्ता हो गया था, मम्मी जी को दवाई भी मैंने दे दी थी, और इसके बाद मैं जलूँगी नीचे का जो मेरा काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डांगरों को निलाना, फिर बाद में करेंगे हम ये काम। ऊपर के सारे काम मेरे निमट चुके हैं, अब मैं आई हूँ नीचे, जीने में मैंने झाड़ू लगा दी है, और मैंने बैठक में भी लगा दी है झाड़ू। अब रह रहा है बस बाहर का बरामदा, जो मुझे लगाना है। बरामदे में सबसे ज़्यादा धूल होती है, क्योंकि एक तो बाहर जो है भूसा ढूरा है वो उड़ के आता है, सड़क पर हमारी गैलरी है,
तो गैलरी में और बरामदे में बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसकी वजह से धूल भी हवा भी जैसे चलती है दोपहर में तो उसकी भी बहुत ज़्यादा धूल होती है। कुछ हमारे चौक में जो नीम का पेड़ है इसका मोल बहुत उड़ के आता है। तो और जो देखिए टफी बहुत ज़्यादा भोंग रहा है, हमारी खुल गई है भैंस, भाई साहब उस भैंस को बांध रहे हैं। और तुझे झाड़ू मैं अब सारे में लगा दूंगी, सारा मुड्ढे मैंने बरामदे से निकाल के बाहर रख दिए थे क्योंकि फिर अच्छे अच्छे तरह से सफाई नहीं होती, अच्छी तरह से नहीं लगती है झाड़ू। और पलंग भी मैं खड़ा करके आराम से अच्छे तरह से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद फिर लगाऊंगी सारे में पोछा। तो जी अंदर का पोछा मेरा हो गया है, अंदर बैठक की सारी डस्टिंग भी मैंने कर दी थी अंदर, और मैं बाहर बरामदे में लगा रही हूँ पोछा। अब थक के टफी बैठ चुका है, थोड़ी देर आराम करेगा और जब मैं उसके पास जाऊँगी फिर खड़ा हो जाएगा, मुझे पता है इसकी आदत का। तो जी मैं अब लगा रही हूँ पोछा। और सुबह सुबह का काम ना बहुत ज़्यादा होता है, जो थोड़ी सी देर भी मतलब मम्मी जी के पास या वैसे किसी के पास खड़े होकर बात करने लगो तो उसमें से एकदम से काम का बैलेंस बिगड़ जाता है हमारा। सुबह सुबह इतना काम होता है क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना होता है, फिर जो खेत में जाने वाले हैं उन्हें भी जाना होता है, सुबह नाश्ता दो, फिर नहाने का काम करो, कान्हा जी को निलाओ, पूजा करो, इसी में ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो 8:30-9 हमें आराम से बच जाते हैं झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि क्या करें जी गाँव की ज़िंदगी ऐसी है, सुबह सुबह काम ज़्यादा होता है, कुछ डगमगा का भी होता है। तो बातों ही बातों में मैंने आधा पोछा लगा लिया है, पोछा मेरा बहुत जल्दी गंदा हो रहा है, फिर मैं इसे जाके बार बार बाहर पानी में साफ करके लाती हूँ क्योंकि यहाँ धूल जो ज़्यादा होती है, अंदर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता जितना बाहर बरामदे में गंदा होता है। बैठक में लेटी हुई थी, अब मैं जा रही हूँ बाहर, और ये ना सारे वंश के पापा, वंश, प्रियांशु, मम्मी सब गैलरी में बैठे हैं जाके। तो कह रहे वहाँ थोड़ी बहुत तो हवा लग रही है क्योंकि लाइट आने में है अभी 1 घंटा, और लाइट आ जाएगी तब फिर अंदर आ जाएंगे। मैं दिखाती हूँ, देखो इन्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं आराम से खड़ी होंगी जाके। ये देखिए सुबह के टाइम में कितनी अच्छी बैठक रखती हूँ, एक एक चीज़ मतलब अपनी जगह पर होती है। और ये देखिए दोपहर के बाद का ये माहौल है हमारी बैठक का, मतलब सोफे मेज कहीं कुछ का कुछ है, बस खाट घुसा रखी पंखे के नीचे क्योंकि इकलौता यही पंखा चलता है बैटरी से, क्योंकि लाइट चल जाती है 1 बजे और फिर 3-4 बजे तक सब इसी में रहते हैं। तो अब यहाँ से निकल के सब चले गए हैं गैलरी में। लाइट आके चलाओ अंदर ही, ये ट्वाली चल रही, हाँ आज भी ठीक करवानी, हाँ तो मिस्त्री को बुला के लाओ, लाइट आके मम्मी आ जाओ अंदर ही, यहाँ तो कुछ भी हवन लग रही। गर्म का आगे फिर जन्नत में लाइट के बिना कुछ नहीं। देखे रैक्स ट्रॉफी, रैक्स तो निकल गया, दिखे टफी नहीं निकला, टफी सी मैं सो रहा अभी। ये 12 का जो है जो अंदर पाइप डलता है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक निकाल कर डाला हुआ है। और आज ये सुबह से 12 चल नहीं रही थी, बड़े परेशान थे तो मिस्त्री को बुलाया हमने, फिर अब वे देख रहे हैं भैया। देखिए ठीक हो गया है हमारा,
अभी ठीक करके इसमें डाल रहे हैं। ये पकड़ू क्या? ज्यादा ना खींचे? नहीं ज्यादा नहीं खींच रही। छोड़ दो तो कितना तार है। कितना कह रहा है वो हैं? कितना कह रहा है वो? 120 फुट। 120 फुट। कितने नीचे से पानी आ रहा? अब पानी में गया, अब फ्लोए में डाल दिया। अच्छा ढक दे सी बोल रही हो? पानी तो टकराया है। वाटर लेवल कम से कम 40-45 फुट पे जा लिया वाटर लेवल। कितने नीचे से जगह खराब हुई। इसे जरा सा इधर कर प्रियांशु, यो प्लेट से हट रही। आदनो करो छोड़ो। कितनी गर्मी में क्या काम बढ़ा। और हल्की छोड़ूंगा इसमें, इसकी बाल कट रही दिखे है। चूड़ी मर रही है। क्या हो रहा? चूड़ी मर रही। चूड़ी अभी कैसे चढ़ेगा? ये चढ़ जाएगा, तग्गा मार दे इसको जरा सा। रील का तग्गा लाइए रे, ऊपर से रील लेगा भाई। एक रील ले आ, वो लपेट जाएगी इस पर। यहाँ जो पुराने वाला स्टार्टर लगा हुआ था वो उतार दिया है, क्योंकि मिस्त्री बोल रहा था कि वो मतलब ख़राब होगा, चल तो जाएगा, उसमें 12 चलने में थोड़ी सी देर लगती है। तो ये अब ना लेके आए हैं नया स्टार्टर भाई साहब, और इसमें सारे इन्होंने कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब देखते हैं कि 12 चलती है या नहीं। हमारी सारे तार जोड़ दिए जहाँ जहाँ भी जुड़ने थे, और ये नया स्टार्टर लेके आए थे तो ये भी इन्होंने सारे तार लगा दिए हैं। अब देखते हैं ये चलेगी या नहीं, कहाँ से कहाँ लो पाइप उखड़ा पड़ा। पूरी 12 हमने मतलब उसमें डाल भी दिए थे, दोबारा से स्टार्टर भी लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी ना 12 चली नहीं है। अब दोबारा से फिर मिस्त्री को लेके आए हैं, अब देखते हैं वो फिर दोबारा से चलेगी नहीं। उतनी ही मेहनत तो फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। तो देखिए लो चक्कू चाहिए था क्या? चलो आप तो जब जाइए जब ये चालू हो जाएगी। करके जाएगा और हाँ, जा। ये बीच में छोड़ के चले गए थे, फिर खराब भी वो फिर भी नहीं हुआ बात, फिर भी दिक्कत फिर भी जासी कैसी रही। इतनी मेहनत कर ली, 2 घंटे हो गए, इसे चालू करके तब जाइए। अब तो जी ये तो लग रहे हैं अपने मतलब ठीक करने में। चलिए जी हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉक में, और देखते हैं और ये 12 ठीक होती है नहीं। हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है पानी की। तो जी हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तो मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए मुझे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।